नाबालिग बच्चे कबाड़ बीनने को मजबूर। हसेरन कस्बे में नाबालिग बच्चे अपने खर्च स्वयं चला रहे हैं। अवैध बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे तो है ही, बल्कि वह नाबालिग बच्चे कबाड़ा बीन कर अपना गुजारा करने को मजबूर है। जब इन बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक दिन में 30 से 40 रुपए तक का कबाड़ा बीन कर बिक्री कर देते हैं। वहीं बच्चों ने बताया कि पढ़ने तो हम विद्यालय जाते हैं जहां पर भोजन मिलता है। इस समय विद्यालय में ना तो भोजन मिल रहा, ना ही पढ़ाई की कोई समुचित व्यवस्था की जा रही है। कोरोना के संकट काल में नाबालिग अबोध बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में एक वर्ष पीछे चले गए। अबोध बालक अपना भरण पोषण कबाड़ बीन कर कर रहे हैं और कोरोना के संकट ने देश और बच्चों को झकझोर कर रख दिया। विद्यालय बंद होने से बच्चों में गहरा असर दिख रहा है। कहीं ना कहीं माता पिता की लापरवाही देखी जा सकती है। बच्चों द्वारा प्रतिदिन कस्बा हसेरन के गंदगी के ढेर में लगे कबाड़ को बीनते दिखाई दे रहे हैं। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर। पढ़ने नहीं जाते आप? कहाँ? स्कूल बंद है, अब आप लोग कहीं नहीं जाते हैं? ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन पढ़ते हैं। कहाँ पे? किस विद्यालय? ट्यूशन। कहाँ पे? पढ़ाई करते हैं आप लोग? सभी लोग जाते पढ़ने? किस क्लास में पढ़ते हो आप? खाना वाली। हैं? खाना वाली। जहाँ खाना बनता है वहाँ पढ़ते हैं? ये तो पंजीरी वाले में पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है पंजीरी वाले? इनका नाम क्या है? सेमुल। और तुम्हारा? पढ़ाई करने के बाद फिर तुम लोग क्या करते हो? कहाँ? और ये क्यों बीन रहे फिर? कबाड़ा बीनने कितने रुपए मिलते हैं आपको? तुमसे कोई कहता है कबाड़ा बीनो जाके? ना। अपने मन से? ना।